जिंदाबाद जिंदाबाद जनता की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार चलाने का ढंग सीखना होगा, सरकार चलाने का ढंग सीखना होगा, सीखना होगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तर्ज पर बिहार में पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी के विधायक उठा रहे हैं। सर, आप लोग छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं, क्या बिहार में भी इसी तर्ज पर होना चाहिए? जी, होना चाहिए। नहीं, हम लोग विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं तो मंत्री कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं है, कौन राज लगाए हैं नहीं लगाए हैं। हम लोग जोर मारे हुए हैं कि जिससे राजस्थान हुआ छत्तीसगढ़ हुआ है उसी तर्ज पर बिहार में पुराना पेंशन नीति लागू होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कुछ किया ही नहीं है कांग्रेस। वो मानने को तैयार नहीं है, वो कोई बात मानते कहाँ है। पूरे बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है, कोई काम नहीं हो रही है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, शिक्षक नहीं है, सारे विभाग में कर्मचारियों की कमी है। स्वीकार कहाँ करते हैं, वो सब आउटसोर्सिंग करते हैं लेकिन आदमी की बहाली नहीं करते हैं। और भी हमारे शिक्षा नीति को मजबूत करना होगा। आप देख रहे जितनी भी रिक्त पद दिया है पद हैं उनको भरिए भाई। देखिए आप जितने भी स्कूल, जब प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक कॉलेज तक, कहीं पर सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर नहीं है। आप एक मैथ साइंस में सिर्फ एक टीचर है, एक साइंस का टीचर मैथ भी पढ़ाता है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, फिजिक्स भी पढ़ाता है। आप जरा इसको जरा सोचिए, परिकल्पना कीजिए कि एक फिजिक्स का टीचर क्या मैथ पढ़ा सकता है या मैथ का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जहाँ जहाँ रिक्त पद हैं उसको जरूर भरें, और शिक्षा जो नीति है उस नीति को जरा बदलाव लाएं इसमें। राजस्थान छत्तीसगढ़ का आप लोग बिल्कुल बिल्कुल पुरानी जो पेंशन नीति है उसको मैं सरकार से मांग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के में लागू कर दिया गया है उसकी, या बिहार को भी लागू करना चाहिए, बिहार में भी लागू होना चाहिए। विधानसभा में जिस तरह से कल बीजेपी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिस तरह तनी जो थी, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए एक्चुअली सदन में अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं और विधायिका का जो हम लोग के कस्टडियन है वो हम लोग का संरक्षक है। अब नहीं मुख्यमंत्री से क्या मामला है नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो एक विधायक ही बोल सकता हूँ कि हम लोग जो अध्यक्ष हैं वो हम लोग के संरक्षक होते, कस्टडियन होते हैं हम लोग का, और हम लोग हर नियमन वही लागू करते हैं। फिर उनको नियमन सिखाना ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर उनका मामला निजी मामला है, उसको मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उस मामले में। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक थे जिनका कहना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर बिहार में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, और साथ में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो कल तनातनी दिखी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विधायक के संरक्षण होते हैं और उनका ही जब अपमानित किया जाता है, जब आसन का ही गरिमा नहीं रह जाता है तो फिर कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता है। लेकिन वो दोनों का आपसी मामला है, क्या कुछ है ये, इस पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कल जो हुआ वो उस पर विपक्ष से लेकर के बीजेपी के भी विधायक हैं वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।